दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से एक्सिस बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे को आप लोग किस तरह निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। सो इसको जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। आप दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अगर आप लोगों ने एक्सिस बैंक मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करके आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, म्यूचुअल फंड बाय किया हुआ है, सो आप लोग किस तरह से उस म्यूचुअल फंड को सेल करके आप लोग अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। सो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे, सो एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा जिस पर क्लिक करके आप लोग वीडियो में देख पाएंगे कि आप लोग इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप लोग देखेंगे टॉप राइट साइड में लॉगिन का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब गाइस, आप लोग चाहें तो अपनी फिंगरप्रिंट से इसको लॉगिन कर सकते हैं या फिर 6 डिजिट की एमपिन जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बनाए हुए होते हैं उसको पुट करके लॉगिन कर सकते हैं। अब गाइस, आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। सो यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है क्विक लिंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स का, आपको इस पर क्लिक कर लेना। अब दोस्तों, आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड्स का, आपको इसके सामने एक एरो का मार्क दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सो यहाँ पर आप लोगों के प्रोफाइल के बारे में सभी कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है कि आप लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में और उसकी करंट वैल्यू क्या चल रही है। सो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एक बटन दिख रहा है इन्वेस्ट नाउ, इसके जस्ट ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट रिटर्न एज ऑन, यहाँ पर आपको डेट शो करेगा। इसके सामने देख पाएंगे एक आइकॉन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। या फिर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है माई होल्डिंग करके, इस बटन पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर जितना भी आप लोगों की SIP होगी वो यहाँ पर सभी शो करेगी। सो यहाँ पर आप लोगों को जिस भी म्यूचुअल फंड से आप लोगों को पैसे विड्रॉल करने हैं उसके नीचे आपको यहाँ पर 3 बटन दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को लास्ट ऑप्शन देखेंगे लिखा हुआ है redeem/SWP, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आप दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का उस म्यूचुअल फंड की सभी डिटेल यहाँ पर दिखाई देती है कि आप लोगों ने उस म्यूचुअल फंड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और आप लोगों का कितना यूनिट उस म्यूचुअल फंड का मिला हुआ है। सो यहाँ पर आप लोगों को म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉल करने के 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है पहला ऑप्शन 1 टाइम, इसका मतलब है कि आप लोग एक बार ही पैसा विड्रॉल करना चाह रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड से। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है सिस्टमेटिक विड्रॉल, ये आप लोगों का होता है कि आप लोगों का ये एक इंस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाती है और उसके बेसिस पर आप लोगों का मंथ बाय मंथ आप लोगों के बैंक अकाउंट में उतना पैसा क्रेडिट होते रहता है। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका म्यूचुअल फंड की यूनिट सेल होते रहती है और आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता जाता है। सो यहाँ पर अगर आप लोगों को समझना है कि आप लोग सिस्टमेटिक विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, सो आई बटन पर वीडियो का लिंक आ रहा होगा जिस पर क्लिक करके आप लोग देख पाएंगे कि आप लोग सिस्टमेटिक विड्रॉल कैसे कर पाएंगे, जिसको कि बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में SWP। ये जस्ट अपोजिट होता है SIP के। SIP में होता है कि आप लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं हर मंथ, और यहाँ पर होता है SWP का मतलब कि आप लोगों का पैसा आपका म्यूचुअल फंड से सेल करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में आते रहता है। सो यहाँ पर फिलहाल हम 1 टाइम ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 टाइम के अंदर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग पार्शियली रिडीम करना चाहते हैं, जितना भी पैसा आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो पूरा ही निकालना चाहते हैं। पूरा निकालना चाहते हैं तो फुल रिडीम पर क्लिक कर लेना है। अगर हाफ निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर उससे कम निकालना चाहते हैं या ज़्यादा निकालना चाहते हैं तो पार्शियल पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। सो ये एग्री हो जाएगा। इसके बाद प्रोसीड बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, आपको यहाँ पर रीजन करने के लिए कह रहा है कि आप लोग पैसे म्यूचुअल फंड से क्यों विड्रॉ कर रहे हैं। सो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि आप लोगों के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है जिसकी वजह से आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है। तीसरा ऑप्शन है कि आप लोगों को पर्सनल नीड है पैसे की। सो यहाँ पर आप लोग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों के यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाता है। आपको OTP देखकर यहाँ पर टाइप करके सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे रिक्वेस्ट यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर लिखकर आ चुका है कि आप लोगों के रिडीम करने की म्यूचुअल फंड से पैसे की वो रिक्वेस्ट ले चुकी है और यहाँ पर रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है और आप लोगों ने किस म्यूचुअल फंड से पैसे निकाले हुए हैं वो दिख रहा है। और यहाँ पर टाइप दिख रहा है कि आप लोगों ने कितना पैसा निकाला हुआ है, पार्शली निकाला हुआ है या फुल निकाला हुआ है।
सो यहाँ पर आप लोगों को ये जो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर मिलेंगे वो 2 से 3 वर्किंग डे में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल किया जाता है म्यूचुअल फंड आप लोगों के अकॉर्डिंग, जितना भी अमाउंट चाहिए होता है या यूनिट आप लोग सेल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये सब प्रोसेस हो के आप लोगों को 2 से 3 वर्किंग डे में आप लोग को बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव हो जाते हैं। और कभी होता है कि आप लोगों का कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है अगर सैटरडे संडे नॉन वर्किंग डे रहा तो। सो दोस्तों ऐसे ही आप लोग बहुत ही आसानी से अपने एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड से आप लोग पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।